दोस्तों ये है बजाज पल्सर 125 और 125 सीसी की सबसे सस्ती सबसे अच्छी गाड़ी, क्योंकि आप लोग जो भी डिमांड करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है भैया हमको ये चाहिए इस गाड़ी में, वो सब आपको इस गाड़ी में मिलेगा। साथ में इसका प्राइस सबसे सस्ता है, माइलेज सबसे ज़्यादा है, सीट सबसे लंबी चौड़ी है और फुल चैन कवर इस गाड़ी में है कि चैन की आपकी 2000-2500 का इस पॉकेट बचाएगा। अगर आप एसपी 125 या राइडर 125 लेते हैं ना, तो चैन आपका खुला है, चैन उसमें समझ लो कि साल भर में आपको चैन 8 महीने में तो बदलवाना ही पड़ेगा, चलाने के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ज़्यादा चलाएंगे जल्दी नहीं तो साल भर में आपको बदलवाना पड़ेगा। इस गाड़ी में 4 से 5 ऐसे फीचर हैं जो कि ना होंडा एसपी 125 में मिलेगा, न टीवीएस राइडर 125 में मिलेगा। अगर आप कंपेयर भी करते हैं कि पल्सर 125 वर्स टीवीएस राइडर 125 या फिर पल्सर 125 वर्स होंडा 125 या होंडा साइन से भी, तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सबसे बेहतर होगी। बस वीडियो को एक शर्त है कि आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 5 मिनट तो जरूर देखना, ताकि 5 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम आपको इस गाड़ी का बताने वाले हैं। सबसे पहले कि साउंड बिजनेस इसका इंजन, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल कोई आवाज़ आपको नहीं मिलेगी, पहला फीचर। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब जो कि 55x60 वाट का रहेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 पाइलट लाइट, ये लाइट आपको ठंड में सबसे नंबर 1 लाइट देने वाली है। फ्लेक्सिबल फुटस, ये मिलता है इंडिकेटर, ये टूटेगा नहीं, ये चीज़ सबसे अच्छा आप समझ लीजिए, इंडिकेटर ट्रांसपेरेंट ग्लास पर रहेगा और वो भी फ्लेक्सिबल वाले रहेंगे। और मुंडी इसकी जो है वो सबसे नंबर 1 मिलती है, जो कि लंबी चौड़ी भी मिलती है और एक स्टाइलिश लुक के साथ। और सबसे बड़ा इसके अंदर ये चेंजेस आ चुका है कि ये जो ग्राफिक्स है एकदम नया मॉडल का मिलेगा। और एक ऐसी गाड़ी है बजाज पल्सर 125 की, आप अगर चाहें तो फुटपाथ पर भी सर्विस करा सकते हैं, और इसके जो स्पेयर पार्ट है, सामान है, वो भी मिल जाएगा और सर्विस चार्ज सबसे सस्ता है इस गाड़ी का। आप चाहें आफ्टर मार्केट कहीं भी शोरूम पर आराम से बढ़िया करवा सकते हैं, या फिर आप फुटपाथ पर रोड पर भी सस्ती से सस्ती सर्विस इसका करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो गाड़ी हम खरीदें उसके सामान जल्दी से मिल जाए, सर्विस हर जगह हो जाए, सबसे कम प्राइस में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलता है मडगार्ड, वो भी पियानो ब्लैक के साथ, यहाँ पर मैट फिनिशिंग इस तरह से रहेगा। टेलीस्कोपिक एंडोरेंस वाले सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ 230mm का फ्रंट पर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा, बल्कि 240 रहेगा, और 8017 का ट्यूबलेस टायर इस गाड़ी में मिलेगा, और यहाँ पर रैपिंग एक नंबर की मिलेगी और लुक वाइज आप दे सकते हैं। और हाँ, सबसे एडवांस चीज कि इस गाड़ी में यानी कि बजाज की मोटरसाइकिल में अदर गाड़ी से 20% जर्क कम लगता है, यानी कि झटका जो है ये गाड़ी आपको कम देगी, तो इसका मतलब रिलायबल और कंफर्ट फील आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। अब इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो आप देखेंगे तो होंडा हो या फिर टीवीएस राइडर, उसमें फाइबर है, इसमें मेटल का फ्यूल टैंक मिलेगा लोहे का, तो यानी कि मजबूती इसमें आपको उससे ज़्यादा मिल रही है। और 13 लीटर फ्यूल टैंक आएगा, 12 लीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्सर का जबरदस्त लुक, और 13 लीटर आएगा पेट्रोल। ये देखो आप, ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ 3D वाला स्टिकर है, निकलेगा नहीं। और ये देखो नया ग्राफिक्स इस गाड़ी में आ चुका है, देख रहे हो आप, ये जो ग्राफिक्स है एकदम नया मॉडल का ग्राफिक्स इस गाड़ी में आपको मिलेगा, ये देखिए ग्राफिक्स एक नंबर का। और इसमें आपका टैंक पैड भी दिया गया, अगर कोई चीज़ रखते हैं तो टैंक पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। E20 वाला फ्लेक्स फ्यूल से आपकी ये गाड़ी चलने वाली है, इथेनॉल से, जो मैंने अपने गाड़ी में डलवाया है, E20 वाला फ्यूल मैंने डलवा लिया है, यहाँ पर मिलता है, कल ही यहाँ पर E20 फ्यूल मैंने अपने R15 में डलवाया है E20 वाला फ्यूल, और अभी चला रहा हूँ, देखता हूँ माइलेज कितना देती है, ठीक है। यहाँ पर इंजन किट स्विच सेल्फ स्टार्ट में मिलेगा, इंजन किट स्विच आपको टीवीएस राइडर में नहीं मिलेगा, ना बारन इतना बड़ा उन दोनों गाड़ियों में मिलेगा। पासिंग हाइलोबीम टच सिग्नल हॉर्न, सबसे तगड़ा इसके अंदर फीचर ये रहा जिसके हैंडल बार में आपको लाइट मिल जाती है, देखिए वो भी वाइट कलर की, ज़बरदस्त लाइट इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर हैंडल बार आपका स्प्लिट में अलग अलग इग्निशन दे सकते हैं, और इसके अंदर पूरा फुल डिजिटल मीटर यहाँ पर आपका इस तरह से रहेगा, और एनालॉग यानी सेम ही रहेगा, दोनों आपका दिया गया है। स्पीड यहाँ पर बताएगा, और डिस्टेंट 2 MPT के अंदर दिया गया है। फ्यूल यहाँ बताएगा, स्पीड, सर्विस, साइड स्टैंड, लो बैटरी, सब आपको यहाँ पर दिखाएगा, देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आपका FI लाइट है, पासिंग है, न्यूट्रल है, और यहाँ पर आपका इंडिकेटर बताएगा, RPM लिमिट है, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोड सेट का बटन, ट्रिप टू ऑडियो सब आपका रहेगा। तो ये इतने सारे आपको फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ये आपका हैंडल बार इस तरह से रहेगा। तो आप चलिए इंजन की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले इंजन की सेफ्टी के लिए लेग गार्ड दिया गया है, आपके पैर की सेफ्टी के लिए सिंगल हॉर्न, और ये चेसी डुअल पे रहेगी, देख सकते हैं आप इंजन से कितना नीचे चेसी दिया गया है, जिससे आपका इंजन जो है एकदम सेफ रहेगा। ये देखिए, देख रहे हो, लेग गार्ड भी रहेगा, इंजन आपको मिलेगा इसके अंदर, फ्यूल इंजेक्शन वाला FI इसके अंदर आ गया, कार्बोरेटर का सिस्टम खत्म। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग है, और इंजन आपको मिल जाता है इसके अंदर 125 cc का, 5 गियर है, और इसके अंदर आपका एयर कूल इंजन है बजाज का, सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक। अभी जो माइलेज देगी गाड़ी वो 45-50 का माइलेज आराम से दे देगी, चलाने के ऊपर आपके डिपेंड करता है अच्छे चलाओगे तो। और इस गाड़ी में भाई आपको दिखा देता हूँ, किक और सर्फ दोनों स्टार्टर मिलेगा, वही टीवीएस राइडर 125 लेते हैं तो किक स्टार्टर आपको नहीं मिलेगा, इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं,
ब्रेक लीवर एकदम नंबर वन, लंबा चौड़ा कोई भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। ये फुटेस्ट फिक्स है जो कि उन दोनों गाड़ियों में नहीं है। ये गिरेगा तो इसी पे गाड़ी अटक जाएगी आपके और गाड़ी सेफ रहेगी। ये बहुत अच्छा जरूरी रहता है फिक्स रहना। इस साइड से भी आप देख सकते हैं इसका लुक, एक भारी भरकम भी गाड़ी दिखती है भाई। वजन की बात करें तो आपको अभी वजन भी बता देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग का नया पैनल ग्रिल के साथ मिल जाएगा, सब जगह आपको मिलता है। सीट अब आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंगल सीट, सबसे लंबी चौड़ी सीट। अगर चाहे तो स्प्लिट सीट भी ले सकते हैं अलग वाले। और ये आपका डुअल टोन फिनिशिंग है, देखो अब यहाँ पर इस रस रहेगा तो काफ़ी अच्छी सीट आपको मिल जाती है। ग्रैब रेल भी बढ़िया, लेडीज अगर पीछे बैठे या कोई भी पकड़े पकड़ सकता है बहुत आराम से। यहाँ पर 125 की, और ये ग्राफिक्स और स्टिकर एकदम नया मॉडल, सबसे नया यहाँ पर आपको मिलेगा। और एक जो साइलेंसर पूरा लोहे पर रहेगा, फाइबर नहीं है कि वो होंडा की तरह या फिर आपका टीवीएस राइडर की तरह, पूरा स्टील है। और इस तरह से बहुत अच्छा पर फुटरेस्ट या फ्लेक्सिबल रहेगा। और स्विंग आर्म देख सकते हैं इसका जो है पूरा आपका लोहे वाला रहेगा। 130 mm का पीछे ड्रम ब्रेक, यहाँ पर फंडर रहेगा। पीछे का सीट का टायर 190/17 का है, टायर काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा। और एंडोरेंस वाले नाइट्रोक सस्पेंशन 5-स्टार एडजस्टेबल, जो कि सागर बताया हूँ कि उन दोनों गाड़ियों से अदर गाड़ियों से 20% इसमें झटका कम ही लगेगा। अब सबसे एडवांस फीचर फुल चैन कवर देखो आप, वो भी लोहे का है, मेटल का। और अगर स्प्लेंडर प्लस के अलावा किसी गाड़ी में आपको लोहे का चैन कवर नहीं मिलेगा और इस गाड़ी में आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका चैन का सेफ्टी और सुरक्षा बहुत अच्छा रहेगा, जिससे 2-3 हज़ार का खर्चा आपका हर सालाना या 6 महीने पर जो जैसा आप चलाएंगे वो आपके डिपेंड करता है। यानी 25,000 किलोमीटर पे आपका समझ लो चेंज कराना पड़ता है। ये आपका बचाएगा, कुछ दिन और चलाएगा। एंडोरेंस वाले सस्पेंशन इधर भी डबल रहेंगे, सारी गार्ड एक नंबर के मिलेगा। देखिए बढ़िया, लेडीज़ को बिठाओ आराम से पकड़ लें। यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स बढ़िया अच्छा वाला नया कलर पर मिल जाएगा। और इस साइड से पूरी गाड़ी इस तरह से दिखेगी गाड़ी, अगर आप देखेंगे पूरी तो देखो 125 सीसी में काफ़ी भारी और भरकम गाड़ी दिखती है, भारी हैवी दिखती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है 170 mm का, देख रहे हो एकदम बढ़िया गाड़ी। ऐसी गाड़ी है कि जिधर ले जाओगे देखेंगे लोग, और पकड़ने में भी सबसे नंबर वन है कि जो भी बैठे पकड़ अच्छा रहेगा और चलने में भी मस्त रहेगी। अब इसमें आपको मिल जाता है भाई पीछे की टेल लाइट, दिखाने से पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इस तरह से इग्निशन ऑन करेंगे आप, देखेगा आवाज़ सुनो, देखिए आप पीछे की जो तेल लाइट है ये आपका एलईडी वाली मिलती है, वो भी अलग अलग दिया गया, देख रहे हो अलग अलग शेप में। यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट है, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा। पूरा फंडर देख सकते हैं पत्ती पे, पूरा इस तरह से रहेगा। देखो आप इंडिकेटर बढ़िया, पूरा लुक देख रहे हो, आवाज़ बिल्कुल गाड़ी में मिलेगा ही नहीं। इस साइड से भी पूरी गाड़ी देख सकते हैं, देख रहे हो। अगर आप गाड़ी चाहिए आपको 125 cc में, तो ये गाड़ी अगर आप उठा लेंगे भाई, सबसे खास बात कि लो मेंटेनेंस है गाड़ी, बिल्कुल खर्चा नहीं है, माइलेज सबसे ज़्यादा मिल जाता है। और ऐसे थोड़ा स्पोर्ट लुक में चाहिए तो NS125 ले सकते हैं। अगर एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए जिस पे आपका सीट अच्छी रहे, फैमिलियर गाड़ी चाहिए, बढ़िया नौता खाओ, इनविटेशन, रिश्तेदारी जाओ बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के, तो ये गाड़ी आप उठा लीजिए बिना पूछे, एक नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी हर एक चीज़ में। माइलेज देगी 40-45 का, अच्छे चलाओगे 50 का देगी 125 cc में। ऑन रोड कीमत 1,00,000 रुपये इस गाड़ी का है। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। ये गाड़ी मिलेगी शिवम बजाज काडियावाड़ी गिरी रोड नवसारी गुजरात में।